जहां अगरतला नगर निगम की ओर से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया जा रहा है और हर वर्ष ये आयोजन होता आया है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। इस संबोधन राष्ट्रपति माणिक साहा जी, मुख्यमंत्री श्री जिष्णु देव वर्मा जी, शहरी विकास मंत्री श्री मनोज कांति देव जी, महापौर श्री दीपक मजुमदार जी सामने बैठे हुए, सभी जनप्रतिनिधिगण, अन्य गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार। खुलमखा राष्ट्रपति बनने के बाद त्रिपुरा की ये मेरी पहली यात्रा है। इस अवसर पर आपके उत्साह भरे स्वागत के लिए मैं आप सभी त्रिपुरा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस साल त्रिपुरा राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरी होने पर राज्य के सभी भाई बहनों को और बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देश प्रेम और भारतीयता की भावना त्रिपुरा के लोगों में कितनी प्रबल है, इसका ठोस उदाहरण अगरतला से स्थित परमवीर चक्र विजेता लायंस नायक अल्बर्ट एक्का का स्मृति के उद्यान में है। उन्होंने 1971 से के युद्ध में अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करने के बाद अल्बर्ट एक्का जी झारखंड की निवासी थे। त्रिपुरा के लोग उनकी स्मृति उद्यान में जाते हैं और उनके स्मृति प्रति नमन करते हैं। देवियों और स्वजन, त्रिपुरा के जनजातीय समुदाय ने लोकतंत्र और परंपरा का सुंदर समन्वय बनाए रखा है। जनजातीय समाज से जुड़ी यहाँ के राज परिवार ने आधुनिक प्रगति को भी बढ़ाया दिया है। इसलिए मुझे ये बात की प्रसन्नता हुई है कि यहाँ के हवाई अड्डा का नाम महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट रखा गया है और उसका बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है। आज मुझे महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करके बहुत प्रसन्नता हुई है। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में त्रिपुरा के राज परिवार की उदारता का उल्लेख किया जाता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कुटुम्ब तथा त्रिपुरा के राज परिवार के बीच कई पीढ़ियों का घनिष्ठ संपर्क रहा था। साहित्य रचना के अपने आरंभिक दौर में त्रिपुरा के राजा वीरचंद्र माणिक्य से मिले प्रोत्साहन के लिए गुरुदेव ने उनके प्रति अनेक बार कृतज्ञता व्यक्त की थी। रविन्द्र की जन्म शती के अवसर पर त्रिपुरा में रविन्द्र शतवार्षिकी भवन का निर्माण किया गया। आज मुझे उस भवन से त्रिपुरा के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ करने का अवसर मिला। देवियों और स्वजनों, भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत त्रिपुरा को अपनी श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस महीने के आरंभ में मुझे ही वो पुरस्कार देने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वच्छता की संस्कृति के मजबूत बनाए रखने के लिए मैं त्रिपुरा के सभी निवासियों को हृदय से सराहना करती हूँ। प्रकृति के साथ तालमेल बैठकर जीवन यापन करना जनजातीय समाज की विशेषता है। त्रिपुरा का अधिकांश क्षेत्र वन संपदा से समृद्ध है। इस अमूल्य वन संपदा की सुरक्षित रखने में जनजातीय समाज की प्राकृतिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के प्रदर्शन के आकलन के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 में शामिल रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के लक्ष्य को हासिल करने में त्रिपुरा देश में प्रथम स्थान पर है। जिन दो राज्यों में
सबसे कम प्लास्टिक वेस्ट निकलता है उनमें से एक त्रिपुरा। देवियों और स्वजनों, त्रिपुरा की बहुरंगी संस्कृति भारत का गौरव है। कोजागिरी लोक नृत्य यहाँ की समृद्ध लोक संस्कृति का मनमोहक उदाहरण है। हाल के वर्षों में त्रिपुरा की संस्कृति को योगदान देने वाले कलाकारों को राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया गया है। बांसुरी के स्थानीय स्वरूप स्वरूप से वयोवृद्ध वादक थोंगा दारलोंग जी कोजागिरी लोक नृत्य के कुशल नृत्यक सत्याराम रियांग जी और त्रिपुरा के लोक साहित्य में प्रमुख स्थान रखने वाले बेनीचंद्र जमातिया जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। त्रिपुरा के ही सचिन देव बर्मन और राहुल देव बर्मन के अमर संगीत के बिना भारत के आधुनिक सुगम संगीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाल ही में त्रिपुरा के आप सभी निवासियों ने माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और देवी मेलुमा की पूजा संपन्न की है। काल में मातावाड़ी मंदिर में माँ त्रिपुरा सुंदरी से प्रार्थना करूंगी कि त्रिपुरा के निवासियों सहित सभी देशवासियों पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। मुझे बताया गया है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्य में गिना जाता है। यहाँ के प्रतिभाशाली और कर्मठ महिलाएं उनके क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। त्रिपुरा की दीपा कर्मकार जो बेटी सामने बैठी है और लक्ष्मीता रियांग जैसी बेटियों ने खेल कूद के क्षेत्र में देश की गरिमा बढ़ाई है। त्रिपुरा पावर सरप्लस स्टेट है। यहाँ से बांग्लादेश को प्रचुर मात्रा में बिजली का निर्यात किया जाता है। फेनी नदी पर मैत्री सेतु के निर्माण से बांग्लादेश और भारत के बीच कनेक्टिविटी बढ़ी है और साथ ही त्रिपुरा के उद्यमियों के लिए चट्टगांव और आसुगंज बंदरगाह का उपयोग करना सुविधाजनक भी हो गया है। ये कहा जा सकता है बांग्लादेश के साथ भारत की मैत्री को प्रगाढ़ बनाने में त्रिपुरा राज्य ने आरंभ से ही प्रमुख भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार द्वारा हाईवे, इंटरनेट वे, रेलवे और एयरवेज अर्थात हीरा के माध्यम से त्रिपुरा की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अनेक परियोजनाओं को कार्यरूप दिया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि अपनी इस यात्रा के दौरान त्रिपुरा की कनेक्टिविटी से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ करने का अवसर मुझे मिला। त्रिपुरा के स्टेट फ्रूट क्वीन पाइन एप्पल के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के बारे में मैं जानकर बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ के बांस की गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती है। मैं आज खुश हूँ, मुझे जितने यहाँ मोमेंटो दिया गया है सब बांस से बना है और इतने बारीकी से काम किया गया है, देख के कोई भी मोहित हो जाए। इसीलिए मैं सभी कारीगरों को, सभी आर्टिस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। त्रिपुरा के प्रतिभाशाली लोग अपने कौशल से बांस का प्रयोग अनेक उपयोगी और कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए भी अपनी कला को और उपयोग करते हैं। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार द्वारा 90 साल पुराने कानून को बदलकर बांस को पेड़ की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में शामिल किया गया है। त्रिपुरा जैसे राज्य के किसान और उद्यमी भाई बहनों द्वारा बांस की खेती और व्यापार को सुविधाजनक बनाने की भारत सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य था। आज मुझे अगरतला के निकट एक चाय बागान में जाने का अवसर मिला। वहां स्थानीय लोगों के साथ साथ देश के अन्य क्षेत्र से आए हुए लोग मिलजुल कर काम करते हैं
और सौहार्द पूर्वक रहते हैं। मुझे उन भाई बहनों और बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे ये जानकर और भी प्रसन्नता हुई है कि त्रिपुरा के चाय बागान में काम करने वाले भाई बहनों के हित में राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाया गया है। मैं उनसे बात की, उन्होंने जो भी गरीब कल्याण योजना भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है सभी योजनाएं उनको प्राप्त है और बहुत खुश है। इसीलिए मैं भी बहुत खुश हूं कि सरकार ने गरीबों को नीचे तबके के लोगों को आगे उठाने के लिए भरपूर और प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यही तो विकास है, यही तो सरकारों का जो नारा सबके साथ सबके विकास। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि त्रिपुरा एजुकेशनल हब के रूप में निरंतर प्रगति कर रहा है। उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल एजुकेशन के अनेक संस्थान यहाँ स्थापित है, जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों के तथा तो देश विदेश के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। मैं मानती हूँ कि स्कूल स्तर पर उत्तम शिक्षा की सुविधा ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था का आधार है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि त्रिपुरा में एलिमेंटरी एजुकेशन के स्तर पर 100% एनरोलमेंट का लक्ष्य हासिल कर गया। इसीलिए मैं त्रिपुरा के गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी तथा उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी के प्रभावी नेतृत्व में त्रिपुरा प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि त्रिपुरा की सभी भाई बहनों और यहाँ की भावी पीढ़ी को समावेशी तथा पर्यावरण हितैषी विकास का लाभ मिलता रहेगा। आपके स्नेहपूर्ण अभिनंदन के लिए मैं पुनः आप सबको और त्रिपुरा के सभी निवासियों को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, हम बेई, धन्यवाद, जय हिंद। राशाई राशाई खुले तो दे हम भैया फरो और रंगसक बिचारा मान मणि बाकी जिनको कसार मणि खाना। तो अब देख रहे थे सीधा प्रसारण अगरतला से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में राज्य सरकार के द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर राष्ट्रपति ने राज्य के निवासियों को स्थापना के त्रिपुरा के स्थापना के 50 वर्ष पूरा होने पर बधाई दी, अभिनंदन किया राज्य के लोगों का और तमाम जो उपलब्धियाँ रही हैं राज्य की त्रिपुरा के लोगों की उसका बार बार जिक्र किया और साथ ही साथ तमाम जो विकास के परियोजनाएँ चल रही हैं जो जिस तरह से त्रिपुरा के लोग विकास को लेकर उत्सुक है और तमाम विकास की परियोजनाएं परवान चढ़ रही हैं उसका भी जिक्र किया। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।